नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। तो फाइनली हम वापस आ गए हैं एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग काउंटर स्ट्राइक को एंड्रॉयड में किस तरह कर सकते हैं। काउंटर स्ट्राइक की तीन मेन गेम है, CS 1.6, CS Source और CS GO। तो इन तीनों को मैं आपको बताऊंगा आप लोग एंड्रॉयड में किस तरह खेल सकते हैं, खासकर दोस्तों के साथ आप किस तरह खेल सकते हैं ऑनलाइन। तो जमे रही वीडियो के साथ, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो भाई फर्स्ट जो हमारा गेम निकल के आता है इसका नाम है CS 1.6। तो भाई CS 1.6 एक काफ़ी अच्छा PC का गेम रहा है और ये मतलब के लो एंड डिवाइसेस वाले लोग इसको खेलते हैं अभी भी, आजकल भी। तो यार इसकी गेम की ख़ास बात ये है कि ये गेम ईज़िली 1 GB रैम वाले PC पे भी चल जाता है, लेकिन इस गेम के फ़ैन्स इतने हैं कि लोग इसको एंड्रॉयड पे भी खेलना चाहते हैं। मतलब कि बहुत ही OP गेम है आप कह सकते हो इसको, और आपने इसको एंड्रॉयड पे खेलना है वो भी दोस्तों के साथ। सेम टू सेम यही गेम दूंगा मैं आपको, तो मैं आपको बताता हूँ वो गेम कौन सी है। तो भाई एंड्रॉयड पे आपको इसका एक रिप ऑफ मिलता है, रिप ऑफ समझते हो, रिप ऑफ कहते हैं कॉपी। तो एंड्रॉयड पे इसकी आपको एक सेम टू सेम कॉपी मिलती है जिसका नाम है काउंटर कॉम्बैक्ट। तो ये आपको 60 MB के करीब मिल जाएगा और ये ऑनलाइन है, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं। सेम टू सेम ये CS 1.6 का छापा मारा है इस कंपनी ने, ठीक है, लेकिन गेम अच्छी है, छापा मारा है तो अच्छा किया बिल्कुल। मतलब कि एंड्रॉयड पे 1.6 की कमी इन्होंने पूरी कर दी है, सेम टू सेम वो गेम बना दी है। इसका डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई टेंशन करने वाली बात नहीं है, ठीक है। जाएं इसको डाउनलोड करें, खेलें। अगर आप 1.6 के फ़ैन हैं तो खेलें जाके। इसमें बहुत ज़्यादा मैप्स हैं, इसके अंदर सारे काउंटर स्ट्राइक वाले मैप्स हैं और इसके अंदर पूरा मतलब कि 1.6 को इन्होंने 1.6 को इन्होंने पूरा मतलब के जहन में रख के इन्होंने ये गेम बनाई है। बहुत ही कमाल गेम है मोबाइल के लिए, तो इससे अच्छी 1.6 आपको नहीं मिल सकती ऑनलाइन वो भी। तो चलते हैं फिर अगली गेम की तरफ। तो भाई नेक्स्ट गेम जो हमारा आता है उसका नाम है जी CS Source, वो भी एक PC का गेम है। तो यार अब मेरे पास PC तो है नहीं, तो मैंने यूट्यूब से किसी भाई का गेम प्ले लिया है। तो ये गेम है PC का CS Source PC का ये गेम है, ठीक है। इसके ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, इसका सब सेम टू सेम यही मैं आपको दूंगा ऑनलाइन, आप दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। इस तरह यही गेम मिलेगा आपको एंड्रॉयड पे, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ वो गेम है क्या। तो भाई ये है हमारी गेम, तो इसके अंदर आपको सिंगल प्लेयर मल्टीप्लेयर देखने को मिलता है। मल्टीप्लेयर में मैं जाऊँगा ना यूरोप के सर्वर में, तो यहाँ पर लोग खेल रहे होते हैं। अभी सुबह मैंने खेला भी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। आ जाएगा कोई रूम आ जाएगा, रूम जाना। यहाँ पर लोग खेल रहे होते हैं, ठीक है। हम चाहे दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं, मेरे कहने का ये मतलब है। एक सेकेंड यार, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये देखो अभी लोग खेल रहे हैं, ये देखो मेनियाक स्कूल, ये एक मैप बना हुआ है, ये देखो ये लोग खेल रहे हैं। मैं चाहूँ मैं इसको ज्वाइन भी कर सकता हूँ, ये देखो। हो गया, कनेक्ट हो गया भाई। अभी देखो हम पहुँच गए यहाँ पर, मैं जाऊँगा काउंटर टेरिस में, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है। ये देखो ये एक रियल प्लेयर है, ये देखो ये इसने रूम बनाया है। मुनीब सियाल कनेक्टेड ऊपर आ रहा है, वो देखो ऊपर ये आ रहा है मुनीब सियाल कनेक्टेड। ये देखो ये रियल प्लेयर है, बॉट नहीं है ये, मल्टीप्लेयर मतलब हम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो इसका FPP मोड भी आ रहा है, इसका थर्ड पर्सन मोड भी आ रहा है। अब मैं आपको सिंगल प्लेयर खेल के दिखाता हूँ। तो भाई ये सिंगल प्लेयर है, ठीक है। सिंगल प्लेयर को दबाएंगे, आगे आ गया क्लासिक। क्लासिक में जाके ना हमने ये देखो यहाँ पर हम आराम से अपना मैप सेलेक्ट करेंगे। मैप जो मैंने अभी आपको PC वाली गेम का दिखाया D-2, वही मैप लगाऊंगा सेम टू सेम, ताकि आपको पता चल सके गेम कितनी सिमिलर है। वही मैप लगाया सेम टू सेम, वो जो PC वाली गेम का था जो अभी हम देख रहे थे D-2, ये आ गया। अब हम लेंगे काउंटर टेररिस्ट और सैज लूँगा, सैज मेरा फेवरेट। ओके, तो ये देखो अब ये बॉट है, ये देखो ये बॉट है, बॉट है ये, देख रहे हो। ये देखो सप्रेसर भी लग गया पिस्टल के ऊपर, वाह क्या गेम, क्या गेम। हम लेंगे M4 है, M4 नहीं ले सकते हम, आपको डेजर्ट ईगल दिखाते हैं, रुको। ओए होए, मज़ा आ गया। पूरी की पूरी PC आप चाहें तो बैक करके ना PC वाली डेजर्ट ईगल देख सकते हैं अगर चाहें तो। तो ये देखो अब मैं आपको M4 दिखाता हूँ। अब आप खुद ही डिफरेंस स्लॉट कर लो, पीछे जाओ आप, देखो PC वाली और इसमें आप डिफरेंस देखो ज़रा, देखो ज़रा। ये वो जगह है जहाँ पर उसने 3-4 बंदे मारे थे, याद होगा आपको। आवाज़ भी बिल्कुल गन की जो है ना सप्रेसर के साथ, ये देख लो सप्रेसर उतर भी सकता है, ठीक है। ये देखो और इस पर नहीं, डेजर्ट ईगल पे नहीं लगता, वो एक और पिस्टल है उस पर लग जाता सप्रेसर। मैं दिखाता हूँ, यहाँ कराई थी यार मैंने वो। अच्छा ये तो AK भी आप देख सकते हो, ये लो एक सेकंड AK, यार मैंने तो डेजर्ट ईगल करा। हाँ अबे यार ये देखो, ये AK भी देख सकते हो,
लेकिन मेरी बेस्ट ये है क्योंकि इसके ऊपर सप्रेसर भी लग जाता है, इसकी हैंडलिंग भी अच्छी है। एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी है, जब वो जीतता है तो आगे मेन्यू करके आता है, ऊपर लिखा होता है काउंटर टेररिस्ट विन, और आ रहा होता है MVP कौन है, किसने ज़्यादा बंदे मारे, वो भी है इसके अंदर मोबाइल पे। मतलब कि इतना डिटेल्ड काम, इतना अच्छा काम हुआ है कि मैं दिखा देता हूँ आपको, वो भी है। अरे मर जाना है, वो जा रहा है, एक सेकंड मैं अभी दिखाता हूँ उनको, जरा इसको इसको ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखो वही वाला मेन्यू आया जब मैंने इसको मारा, ये देखो बिल्कुल मतलब सेम टू सेम वही गेम है, PC वाली आपको मोबाइल में मिल रही है, वो भी 100 MB के अंडर। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। अच्छा एक और चीज़ दिखा देता हूँ, इसके अंदर ग्रेनेड भी है, फ्लैश ग्रेनेड भी है और स्मोक भी है। फ्लैश था भाई, हाँ ये फ्लैश है, मैं दिखाता हूँ, मेरे पास तीनों है ना। हाँ ये देखो, ये क्या अभी पता चल जाएगा, ये स्मोक है ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ और कोई है, ये क्या है, ये फ्लैश होएगा, नहीं ये ग्रेनेड था, ये वो था हाई एक्सप्लोसिव, ये कौन सा है, ये फ्लैश है। हाँ मतलब कि इतनी अच्छी गेम आपको देखने को, भाई यार ये तो अंदर ही घुस गया, फ्लैश की वजह से अंदर ही घुस गया ये। हेलो मतलब कि इतनी अच्छी गेम आपको मिल रही है तो आपको और क्या चाहिए। तो बस यही बताना था मैंने, अबे मारी मारती गया। तो भाई जो हमारा लास्ट गेम है उसका नाम है जी CS GO, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम। तो भाई ये गेम ई स्पोर्ट्स प्लेयर बहुत ज़्यादा खेलते हैं, और मतलब कि ये हाई एंड डिवाइस के लिए, मतलब कि PC के लिए है। तो इस गेम का साइज़ कंप्यूटर के ऊपर है 22 GB, और यही गेम मैं आपको दूंगा, मोबाइल में आप दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। तो यार ये गेम काफ़ी कमाल है PC का, और इसके ऊपर काफ़ी टूर्नामेंट्स होते हैं ई स्पोर्ट्स के, लोग जो है वो देखते हैं जाके, और YouTube पे भी काफ़ी स्ट्रीमर्स हैं इस गेम की स्ट्रीमिंग करते हैं। CS GO काफ़ी मतलब के हाई ग्राफिक गेम है काउंटर स्ट्राइक 1.6 की नस्बत। तो अब मैं अब आपको बताता हूँ कि मोबाइल पे आपको ये गेम कैसे मिल सकता है। तो भाई ये हमारा गेम, ये प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, इसका नाम है जी ऑफेंसिव स्ट्राइक, काउंटर ऑफेंसिव स्ट्राइक आप प्ले स्टोर पे लिखेंगे तो ये गेम आ जाएगा पूरा। ये CS GO की कॉपी है, इसकी गन्स सेम टू सेम CS GO से मैच करती हैं, आप देख सकते हैं गन सारी की सारी CS GO से मैच करती हैं, और इवन इसके अंदर आप जो है ना गन का स्कोप भी खोल सकते हैं जिस तरह CS GO में स्कोप खुलता है, सेम टू सेम वही गेम है जी। इसका साइज़ आपको देखने को मिल जाएगा भाई 100 MB, सिर्फ 100 MB, बस 100 MB के अंदर आपको CS GO मिल रही है, सेम टू सेम सारी मैप्स भी वही हैं, Dust 2 है इसके अंदर, मिराज है, और इसके अंदर गन्स भी सारी सेम टू सेम वही है। भाई मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं ये खेलता हूँ ठीक है। वेपन प्रीव्यू का बटन मिल जाता है इसके अंदर आपको, भाई सेम टू सेम वही। तो भाई बस आज के लिए बस इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बस यार मुझे यही गेमें मिली हैं, मतलब कि बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के मिली हैं, सेम टू सेम 1.6 और सेम टू सेम सोर्स और गो CS GO मिली है भाई। लाइक बनता है भाई, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।